आर्मी की 4 दिन की कमांडर बैठक शुरू हो चुकी है। सीधे दिखाएं ब्रेकिंग न्यूज। एलएसी पर तनाव की वजह से यह बैठक काफी महत्वपूर्ण। कमांडर्स मीटिंग को सीडीएस रावत भी करेंगे संबोधित। ये दोनों ब्रेकिंग दिखाएं। कल रक्षा मंत्री कमांडर्स मीटिंग को संबोधित करेंगे। आज से शुरू हुई बैठक 29 अक्टूबर तक चलेगी। दोनों ब्रेकिंग हमारे दर्शकों को दिखाएं। एक तरफ बिपिन रावत का बयान और दूसरी तरफ आर्मी की कमांडर्स लेवल की बैठक। यानी मतलब साफ है, द इंटेंट इज वेरी लाउड एंड क्लियर। जल बख्शी के पास मैं चलूंगा। बख्शी साहब, ये जो बैठक चल रही है आर्मी की, दूसरी तरफ आज भारत की यूएस के साथ मीटिंग है और बिपिन रावत का ये स्टेटमेंट, क्या मतलब है इसका सर? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। ये बिल्कुल हमको चेता रहा है जनरल बिपिन रावत, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चेता रहे हैं कि हम दुश्मन से सांप की बिल्कुल आंख नहीं उठा सकते। ये एक ऐसा दुश्मन है जिसने बारंबार हमको धोखा दिया। जब भी हमने इस पे विश्वास जताया है, चीन ने हमें केवल और केवल धोखा दिया है। और ऐसे माहौल में, जबकि चीन के शी जिनपिंग अपनी सेना के पास जाकर कभी भी युद्ध के लिए तैयारी की हुकार भर रहे हैं, ऐसे समय में, ऐसे माहौल में अपने को निश्चिंत हो जाना बहुत घातक है। और जो आर्मी कमांडरों की मीटिंग हो रही है और यहाँ पे जो है अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी 2+2 डायलॉग के लिए आए हुए हैं, ये संकेत साफ है कि हमें किसी भी कंटिजेंसी के लिए तैयार रहना चाहिए। अकलमंदी इसी में है सर, कि मुझे फिक्र आपकी। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।